हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस विद सतीश। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था अपडेट कमांड। इसी अपडेट कमांड को रिवाइज करते हुए हम आगे एसक्यूएल के कमांड्स को देखेंगे। अपडेट कमांड इज यूज्ड फॉर चेंज सम और ऑल ऑफ द वैल्यूज इन एक्सिस्टिंग रोज। यानी रोज की वैल्यू को अगर चेंज करना है तो अपडेट कमांड को हम लोग यूज करते हैं। द अपडेट कमांड स्पेसिफाइज द रोज टू बी चेंज्ड using the where clause and the new data using the set keyword. Syntax देख लीजिए, update table name, set sal equal to 1500, where sal equal to 1100. Above statement change sal to 1500 only for that employees that have sal as 1100. यानी जिसकी sal 1100 था उसका क्या हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। आप मल्टीपल कॉलम को भी अपडेट कर सकते हैं। टू अपडेट मल्टीपल कॉलम्स, मल्टीपल कॉलम असाइनमेंट कैन बी स्पेसिफाइड विद सेट क्लॉज सेपरेटेड बाय कॉमा। अपडेट ईएमबी सेट सेल इक्वल टू 1500 कॉमा कमीशन इक्वल टू 200 वेयर ईएनओ लेस देन 122। यानी जिसका ईएनओ लेस देन 22 होगा उसका सेल 1500 हो जाएगा और कमीशन की वैल्यू 200 हो जाएगी। क्लियर है। अपडेटिंग टू नल वैल्यूज, नल वैल्यू को भी अपडेट कर सकते हैं। द नल वैल्यूज कैन आल्सो बी एंटर्ड जस्ट एज अदर वैल्यूज बाय यूजिंग अपडेट कमांड। अपडेट ईएमपी सेट कमीशन इक्वल टू नल वेयर ईएनओ इक्वल टू 147। तो किसी का वैल्यू आप नल सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप सेट कर सकते हैं इस अपडेट कमांड से। मॉडिफाइंग डाटा विथ अपडेट कमांड कंटिन्यूड, उसमें आगे हम लोग देख लेते हैं क्या लिख रहा है। देखिए सिंटेक्स इसका, अपडेट ईएमपी सेट सेल इक्वल टू सेल इनटू 2। तो ऑब्वियस सा बात है सेल की वैल्यू जो कुछ भी होगी वो इनटू 2 हो जाएगा। अगर आप वेयर क्लॉज नहीं लगाते हैं तो पूरे टेबल में सेल की वैल्यू सेल इनटू 2 हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट कमांड है डिलीट डाटा विद, डिलीटिंग डाटा विद डिलीट कमांड। डिलीट कमांड नोट कर लीजिए, मैंने पहले भी कहा है आपसे कि आप जरूर कॉपी और पेन लेके बैठिए जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं या कुछ भी आपको ऐसा लगे जैसे नोट करना चाहिए तो आप नोट करते हुए इस वीडियो को देखेंगे तो आपका ज्यादा फायदा होगा। सो डिलीटिंग डाटा विद डिलीट कमांड, द डिलीट कमांड रिमूव्स रोज फ्रॉम अ टेबल, रिमूव्स द एंटायर रोज नॉट इंडिविजुअल फील्ड वैल्यूज। ध्यान कर लीजिए कोई एक वैल्यू टेबल में से डिलीट नहीं होता, जब भी डिलीट होगा पूरा का पूरा रो डिलीट होगा। जैसे हमें क्लास में से रोल नंबर 5 को डिलीट करना है तो आप क्या लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर के बाद रोल इक्वल टू 5, तो 5 रोल नंबर डाटा डिलीट हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ डिलीट फ्रॉम ईएमपी, इतना लिख के खाली छोड़ दिया, वेयर क्लॉज नहीं लगाया गया है तो ये सारे रोज को डिलीट कर देगा। एबव स्टेटमेंट रिमूव्स ऑल द कंटेंट्स ऑफ ईएमपी टेबल। तो ध्यान रहे जब भी आप अपडेट या डिलीट कमांड को यूज करें तो जरूर वेयर क्लॉज की जरूरत है, जरूर लगाएं उसे। नेक्स्ट कमांड है हमारा अल्टर टेबल कमांड। क्या करता है देख लेते हैं। द अल्टर टेबल कमांड इज यूज्ड टू चेंज डेफिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल्स। ये क्या करता है, टेबल के डेफिनेशन को चेंज करता है। मतलब यानी टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज। मान लेते हैं कि आपके रोल नंबर, नेम और मार्क्स 3 फील्ड था, अब इसमें आप एड्रेस को ऐड करना चाहते हैं तो आप को एक नया फील्ड ऐड करना पड़ेगा टेबल में, जो कि अल्टर कमांड से होता है। कई बार पूछा जाता है अल्टर और अपडेट में क्या डिफरेंस है, तो ध्यान कर लीजिए अपडेट कमांड टेबल की वैल्यूज को अपडेट करता है, जबकि अल्टर टेबल कमांड टेबल के स्ट्रक्चर या टेबल के डेफिनेशन को ही चेंज करता है। यानी कोई नया कॉलम ऐड करना है, कोई कॉलम डिलीट करना है तो उसके लिए अल्टर टेबल कमांड का यूज होता है। अल्टर टेबल इज यूज टू ऐड कॉलम, टू ऐड इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट, टू रीडिफाइन द कॉलम डाटा टाइप साइज डिफॉल्ट वैल्यू, कुछ भी चेंज करना है तो अल्टर कमांड का आप यूज कर सकते हैं। सिंटैक्स देख लीजिए, अल्टर टेबल, टेबल का नाम ऐड करना है तो एडीटी कीवर्ड, उसके बाद कॉलम का नाम, डाटा टाइप, साइज, जैसा कि क्रिएट टेबल में आप देते थे कॉलम का नाम, डाटा टाइप और कॉन्स्टेंट का नाम, उसी तरह से ऐड लिखने के बाद कॉलम नेम, डाटा टाइप और कॉन्स्टेंट का नाम देना है आपको। ठीक है, जैसे एग्जांपल में दिया है अल्टर टेबल ईएमपी ऐड फोन नंबर इंटीजर, ये क्या करेगा, जो भी एग्जिस्टिंग टेबल ईएमपी है उसमें ये फोन नंबर ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से आप कॉलम के डेफिनेशन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। देखिए, टू रिमूव अ कंपोनेंट ऑफ अ टेबल ड्रॉप क्लॉज ऑफ अल्टर टेबल इज यूज्ड। कीवर्ड मोस्टली यूज्ड विद ड्रॉप क्लॉज ऑफ अल्टर टेबल कमांड आर एज़ फॉलोज़। प्राइमरी की अगर ड्रॉप करना है, ड्रॉप द टेबल्स प्राइमरी की कांस्टेंट। कॉलम नेम ड्रॉप, रिमूव मेंशन्ड कॉलम फ्रॉम द टेबल। एक कॉलम को पूरा डिलीट करना है तो आपको फिर से ड्रॉप यूज करना पड़ेगा।
अगर फॉरेन की को ड्रॉप करना है तो आप ड्रॉप कर सकते हैं, एडिशन देखा, अब हम लोग ड्रॉप देख रहे हैं, तो अल्टर टेबल डीईपी डिपार्टमेंट टेबल अल्टर होगा, क्या हो जाएगा, ड्रॉप प्राइमरी की, ड्रॉप फॉरेन की, इस तरह से आप प्राइमरी की फॉरेन की को हटा सकते हैं, एबव स्टेटमेंट रिमूव द प्राइमरी की एंड द फॉरेन की, ठीक है, तो इस तरह से आप ड्रॉप कमांड का यानी एड और ड्रॉप कमांड को अल्टर टेबल के अंदर में यूज कर सकते हैं। अब देखिए एक कमांड है ड्रॉप टेबल कमांड, ये एड अल्टर के साथ ड्रॉप जो यूज हो रहा है वो अलग है, ड्रॉप टेबल ये अलग कमांड है। ड्रॉप टेबल क्या करता है आपका, द ड्रॉप टेबल कमांड इज यूज फॉर ड्रॉप अ टेबल फ्रॉम द डाटाबेस, पूरे टेबल को ड्रॉप करना है तो ड्रॉप कमांड यूज करेंगे। सिंटेक्स क्या है इसका, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट टेबल नेम, ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम, क्लियर है, ये क्या करेगा उस टेबल को ड्रॉप कर देगा, ठीक है। इसी तरह ड्रॉप व्यू भी हम कर सकते हैं, ड्रॉप व्यू, व्यू का नाम। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है सेलेक्ट कमांड, जो कि बहुत ही यूजफुल कमांड है, क्या करता है ये देख लीजिए, द सेलेक्ट कमांड कैन बी यूज टू रिट्रीव अ सबसेट ऑफ रोज और कॉलम्स फ्रॉम वन और मोर टेबल्स, एक या एक से अधिक टेबल के रोज को अगर हमें देखना है तो हम सेलेक्ट कमांड यूज करते हैं। ध्यान कर लीजिए, रोज को रिट्रीव करने के लिए या देखने के लिए सेलेक्ट कमांड का यूज होता है। सिंटेक्स देख लीजिए, सेलेक्ट के बाद कॉलम का नाम देते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमा, एक कॉलम है तो एक कॉलम दीजिए, एक से अधिक कॉलम है तो कॉमा सेपरेटेड करके आप एक से अधिक कॉलम का नाम दे सकते हैं, यानी सेलेक्ट रोल नंबर नेम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, तो स्टूडेंट टेबल से रोल नेम और मार्क्स दिखाई दे देगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपका एग्जाम्पल देखिए, सेलेक्ट ई नेम जॉब कॉमा सेल फ्रॉम ईएमपी, एम्प्लॉय टेबल में से ई नेम जॉब और सैलरी आपको शो हो जाएगा, क्लियर है, नीचे आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है, क्लियर। अब नेक्स्ट है रीऑर्डरिंग कॉलम इन क्वेरी रिजल्ट, हम रीऑर्डर कैसे कर सकते हैं कॉलम को, क्लियर है, तो पहले में आपको दिख रहा है ई नेम जॉब और सेल दिख रहा है, अगर आप इसको आगे पीछे करना है ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं, पहले जॉब आ जाए फिर ई नेम आ जाए फिर सैलरी आ जाए फिर डेट आ जाए हायर डेट आ जाए, तो आप इसको भी कर सकते हैं, सिर्फ क्या करना है जो सेलेक्ट के बाद कॉलम का सीक्वेंस देते हैं खाली उसको आप आगे पीछे कर दीजिएगा। जैसे पहले वाले में सेलेक्ट ईनेम जॉब सेल है, इसमें देखिए आप सेलेक्ट जॉब ईनेम सेल हायर डेट, तो जिस सीक्वेंस में आप सेलेक्ट के बाद कॉलम का नाम लिखेंगे उसी सीक्वेंस में आपको रिजल्ट दिखाई देगा, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक फिर बढ़ते हैं, सेलेक्टिंग ऑल कॉलम्स, अभी हम कॉलम का नाम दे रहे थे सेलेक्ट के बाद, अगर आपको सभी कुछ देखना है सारे डाटा को देखना है सारे कॉलम्स को देखना है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, एस्ट्रिक साइन लगता है तो सेलेक्ट ऑल द कॉलम्स ऑन द टेबल, द एस्ट्रिक साइन कैन बी यूज्ड, क्लियर। नेक्स्ट एलिमिनेटिंग रिडंडेंट डाटा, एक कीवर्ड है नोट कर लीजिए डिस्टिंक्ट कीवर्ड, DISTINCT डिस्टिंक्ट कीवर्ड, द डिस्टिंक्ट कीवर्ड एलिमिनेट्स डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ अ सेलेक्ट स्टेटमेंट। मान लीजिए कि जॉब में चार बार क्लर्क है तीन बार मैनेजर है, आप डिस्टिंक्ट देखना चाहते हैं कितने क्लर्क कितने मैनेजर हैं, आपको खाली एक सिंगल सिंगल देखना है, डुप्लीकेट रोज को एलिमिनेट करना है, तब क्या करेंगे आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। अगर आप लिखते सेलेक्ट जॉब फ्रॉम ईएमपी तो सारे जॉब चले आते हैं, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम या सेलेक्ट ऑल जॉब फ्रॉम ईएमपी तो सारे आ रहे हैं, लेकिन जब आप लिखेंगे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट जॉब फ्रॉम ईएमपी तो जो डुप्लीकेट होगा वो सिर्फ एक बार आएगा, जैसा कि आपको रिजल्ट में दिखाई दे रहा है। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड किस लिए यूज होता है, एलिमिनेट डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ अ सेलेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट स्टेटमेंट में से डुप्लीकेट रो को हटाने के लिए डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज होता है। नेक्स्ट सिंपल कैलकुलेशन करना है तो आप MySQL में बहुत आसानी से कर सकते हैं, सेलेक्ट 1 प्लस 6 करेंगे तो रिजल्ट 7 आ जाएगा, फ्रॉम डुअल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो टू परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशन वी कैन ऑल्सो यूज डुअल टेबल को यूज करते हैं सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए, जैसे कोई कैलकुलेटर वाली चीजें करनी है आपको तो ये डमी टेबल अवेलेबल है, सेलेक्ट 4 इंटू 3 फ्रॉम डुअल करेंगे तो डुअल रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए एक और देख रहा है सेलेक्ट कर डेट, जो कि आपको करंट डेट बताता है, करंट डेट होगा तो सिस्टम का डेट होगा वो आपको बताएंगे। स्केलर एक्सप्रेशन विद सेलेक्टेड फील्ड्स, ये कैसे कर सकते हैं देख लीजिए, स्केलर एक्सप्रेशन का मतलब हुआ कुछ भी आपको वैल्यूज में कुछ एडिशन वगैरह करके या सब्ट्रैक्शन करके इनटू डिवीजन कुछ भी करके कोई ऑपरेशन अर्थमेटिक ऑपरेशन करके आपको दिखाना हो तो आप दिखा सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। जैसे सैलरी जो कुछ भी है आप चाहते हैं उसमें से 20 बढ़ के आए सबका, सिर्फ दिखाई दे चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा टेबल की ओरिजिनल वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ सेल प्लस 20 करते हैं तो इससे सिर्फ जो दिखेगा वो सेल प्लस 20 दिखेगा, अगर 100 होगा सेल 220 दिखेगा, 200 होगा 220
भी दिखाई देगा, जैसा कि आपको दिख रहा है। देखिए एग्जांपल, सेलेक्ट ईनेम कॉमा सेल प्लस 20 फ्रॉम ईएमपी, तो क्या दिखाई दे रहा है, अबव स्टेटमेंट ऐड 20 टू एवरी कॉलम ऑफ कॉलम सेल एज गिवन बिलो। राज का 2000 वैल्यू था, 2020 दिखाई दे रहा है। सोनाली का 950 वैल्यू रहा होगा, तो इसमें 20 प्लस होकर 970 दिखाई दे रहा है। क्लियर है? ये ध्यान कर लीजिएगा कि इस तरह का स्टेटमेंट सिर्फ आपके आउटपुट में दिखाई देता है, आपका ओरिजिनल वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, ओरिजिनल वैल्यू आपकी एज इट इज रहेगी। ओरिजिनल वैल्यू को चेंज करना है तो आपको अपडेट कमांड का यूज करना पड़ेगा। Using column alias, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देख लीजिए। Using column alias name, we can give a different name to a column for output purpose. Output में जो दिखाई देता है name, उसको अगर आप change करना चाहते हैं तो column alias use कर सकते हैं। जैसे example देख लीजिए, select ename job लिखा हुआ है, तो job लिख क्या था, आप चाहते हैं नहीं employee post लिख क्या है, तो सिर्फ लिखना है आपको select ename job as as keyword है, as employee post double quote के अंदर आप लिख दीजिएगा from emp, तो आप देखेंगे कि resultant में आपको ename दिखाई दे रहा है और emp post दिखाई दे रहा है। क्लियर है? तो आप as कीवर्ड को यूज कर सकते हैं कॉलम alias, यानी कॉलम को नया नाम, कॉलम को निक नेम देने के लिए रिजल्टेंट में आप कॉलम alias को यूज कर सकते हैं। हैंडलिंग नल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप जानते हैं कि नल वैल्यू, जब आप कुछ इनपुट नहीं करते और आगे बढ़ जाते हैं तो उस फील्ड की वैल्यू नल हो जाती है, अगर उसमें नल अलाउड है तो आप जैसे सारी चीजें हैंडल करते हैं, आप नल को भी हैंडल कर सकते हैं। आप चाहते हैं जितना भी नल है वो किसी दूसरे चीज से रिप्लेस हो जाए, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कमीशन है, कई जगह कमीशन आपका नल है, जहां पे कोई कमीशन नहीं था वहां पे हो सकता है कि यूजर आगे बढ़ गया और सारे की वैल्यू नल हो गई हो, तो आउटपुट में तो नल दिखाई देता तो वो ठीक नहीं लगता। तो आप चाहते हैं नहीं नल जीरो से रिप्लेस हो जाए, तो देखिए कैसे कर सकते हैं आप, देखिए बहुत इसी तरीके से कर सकते हैं। क्या लिखना होगा आपको, इफ नल यूज करना पड़ेगा आपको। एग्जांपल में देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। सेलेक्ट एनओ ई नेम इफ नल, फील्ड का नाम और किससे रिप्लेस करना है, अगर ये कमीशन इफ नल होगा, यानी कमीशन की वैल्यू नल होगी तो जीरो से प्लेस हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, सेलेक्ट ई नेम वैसा ही आएगा, ई नेम वैसा ही आएगा, अगर इफ नल होगा कमीशन तो वो जीरो से रिप्लेस होके आएगा, वहां तो वैल्यू वही रहेगा लेकिन यहाँ जो आउटपुट में दिखाई देगा वो आपको जीरो दिखाई देगा। तो इस तरह से आप आउटपुट को चेंज करना चाहते हैं, नल को हैंडल करना चाहते हैं, तो इफ नल का आप यूज कर सकते हैं। पुटिंग टेक्स्ट इन द क्वेरी आउटपुट, आप टेक्स्ट को दिखाना चाहते हैं क्वेरी आउटपुट में, कुछ भी एक्स्ट्रा टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं तो बहुत इजी तरीके से दिखा सकते हैं। आप सिंटेक्स देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। सेलेक्ट ई नेम फील्ड में से आ जाएगा, सेल प्लस 20 अभी बताया, इसके लिए एक्टिविटीज अलाउड है, इसमें सेल प्लस 20 जितनी भी सेल की वैल्यू होगी उसमें 20 प्लस होकर दिखाई देगा, और कॉमा के बाद सिंगल कोट के अंदर ओपन और क्लोज के अंदर जो कुछ भी आप दिखा देंगे वो सब के आगे प्रिंट हो जाएगा। जैसे ये 20 दिखा और ये देखिए सिंगल कोट के अंदर स्लैश और डैश प्रिंट हो रहा है, तो आउटपुट में आपको स्लैश डैश सारे आउटपुट के आगे दिखाई दे रहा है। तो कोई भी क्वेरी में आप टेक्स्ट को इनपुट करना चाहते हैं एज अ कॉलम, तो आप इस तरह से कॉमा देके सिंगल कोट के अंदर आप ये काम कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज जिसको हमने पहले भी यूज किया है, सिलेक्टिंग स्पेसिफिक रोज। The where clause in select statement specifies the criteria for selection of rows to be returned. यानी सारे स्टेटमेंट नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ वही रोज दिखाई देंगे जो वेयर क्लॉज को फुलफिल कर रहे होंगे। सिंटेक्स देख लीजिए, सेलेक्ट कॉलम नेम कॉमा कॉलम नेम फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन लगाना है आपको। एग्जांपल देखिए, सेलेक्ट ईएनओ ई नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैल लेस देन 1200, यानी इसकी सैलरी 1200 से कम रहेगी उसका सेलेक्ट के बाद जो जो कॉलम लिखा गया है ईएनओ ई नेम और सैल दिखाई देगा, जैसा कि आपको आउटपुट में दिखाई दे रहा है। तो वेयर से आप कंडीशन लगा सकते हैं, उस कंडीशन बेस्ड सर्चिंग आप सेलेक्ट क्राइटेरिया से कर सकते हैं। इसके बाद है रिलेशनल ऑपरेटर्स। वेयर क्लॉज में आप कई सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स, यानी लेस देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू, एक स्पेशल है जो कि ये देख लीजिए आप, ग्रेटर और लेस देन एक साथ लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉट इक्वल टू साइन। तो आप वेयर क्लॉज में ये सारी चीजें, जैसे आप चाहते हैं जे नॉट इक्वल टू 10 हो, जिसका मार्क्स 10 हो वो ना आए, तो वेयर मार्क्स नॉट इक्वल टू का सिंबल लगाइएगा, ग्रेटर देन लेस देन नॉट इक्वल टू 10, और बाकी लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन, ये सारी चीजें तो आप यूज कर ही सकते हैं। यहाँ देखिए नॉट इक्वल टू का एग्जाम्पल दिया है, सेलेक्ट इनम इनम इनो इनेम जॉब फ्रॉम ईएमपी वेयर जॉब नॉट इक्वल टू क्लर्क, ठीक है, जो क्लर्क के बराबर जो नहीं होगा उसका सारे का रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट
रिलेशनल ऑपरेटर के साथ यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज होते हैं जो कि आपके तीन हैं, एंड और नॉट। ये सिंबल देख लीजिए यहाँ पे, और का सिंबल जो कि जस्ट इंटर के ऊपर होता है, आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे इंटर के जस्ट ऊपर तो और का सिंबल मिल जाएगा। डबल एंड ये सिंबल कीबोर्ड में मिल जाएगा और नॉट का सिंबल भी आपको कीबोर्ड में मिल जाएगा। आर यूज टू कनेक्ट सर्च कंडीशन इन द वेयर क्लॉज। When all the logical operator are used together, the order of precedence is not and and all. ये precedence है, इसका ध्यान कर लीजिएगा। तो आप अगर चाहते हैं where clause में logical operator को use करना तो आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो आप देख लीजिए। Select ENO, ename, job, cell from employee where job equal to clerk और job equal to manager। यानी आप चाहते हैं वो resultant column आए या पूरे रोज आए टेबल के जिनका job clerk हो या manager हो। क्लर्क भी आएंगे और मैनेजर भी आएंगे, क्लियर है। अगर यहीं पे आप और कंडीशंस लगाना चाहते हैं तो और आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ लिखा है वेयर जॉब इक्वल टू क्लर्क एंड जॉब लेस देन 1000। तो यहां पर पे आप जी क्लर्क होना चाहिए लेकिन जिसकी सैलरी लेस देन 1000 होगी। यानी सारे क्लर्क नहीं आएंगे, क्लर्क तो हो ही हो लेकिन सैलरी भी लेस देन 1000 हो। तो यह एंड कंडीशन में दोनों ट्रू होना चाहिए और कंडीशन में कोई भी एक ट्रू रहेगा तो चलेगा। और नॉट का देख लीजिए, नॉट जॉब इक्वल टू क्लर्क, यानी क्लर्क जॉब को छोड़ के बाकी जितने हैं आउटपुट दिखाई दे रहा है, क्लर्क को छोड़ के अगर आप चाहते हैं सब आए तो नॉट जॉब इक्वल टू क्लर्क आप कर सकते हैं। तो ये आपके पास सारे क्वेरीज का आंसर अवेलेबल है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे दिया हुआ है कंडीशन बेस्ड ऑन रेंज। अब आपको कई बार कहा जाता है कि 75 से लेके 100 के बीच जिसका मार्क्स आया उसका देखना है, जिसकी सैलरी 1000 से लेके 3000 के बीच है उसको हमें देखना है। यानी ये क्या हो गया, कंडीशन बेस्ड ऑन रेंज। इसके लिए आपके पास एक कीवर्ड है बिटवीन, जिसको आपको बहुत ध्यान से यूज करना है। बिटवीन कीवर्ड को बिटवीन देखिए, सिंटेक्स देख लीजिए। बिटवीन ऑपरेटर डिफाइंस रेंज ऑफ वैल्यूज दैट द कॉलम मस्ट फॉल इन टू मेक द कंडीशन ट्रू। देखिए कैसे यूज होता है, सेलेक्ट ENO ename cell from EMP where cell between 3000 and 500। सिंटैक्स ध्यान से देख लीजिए, बिटवीन के बाद पहली वैल्यू एंड दूसरी वैल्यू लिखा जाता है हमेशा। यहाँ पे कई लोग गलती करते हैं, एंड न लगा करके कॉमा लगा देते हैं या ब्रैकेट लगा देते हैं, तो वो सब गलती नहीं करना है आपको। वेयर सेल बिटवीन 3000 एंड 500 इतना करना है आपको। और ये ध्यान रहे द रेंज इंक्लूड्स बोथ लोअर एंड द अपर वैल्यू, यानी 3000 भी इंक्लूड है और 5000 भी इंक्लूड है इसमें, क्लियर है। तो जब भी आपको रेंज हो तो आप बिटवीन क्लॉज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से नेक्स्ट होता है आपका कंडीशन बेस्ड ऑन लिस्ट। मान लीजिए आपको लिस्ट अवेलेबल है किसी चीज का, तो इसके लिए आपको दो चीजें अवेलेबल है, इन और नॉट इन। जैसे आपको देखना है कि जिसमें जिसका जॉब क्लर्क हो, मैनेजर हो, एनालिस्ट हो, उन सबका देखना है हमें, तो आप इन का यूज कर सकते हैं। देख लीजिए सिंटेक्स, वेयर जॉब इन ब्रैकेट में पहला वैल्यू कॉमा दूसरा वैल्यू कॉमा तीसरा वैल्यू, जितना भी लिस्ट अवेलेबल है सब जॉब इन के साथ आप लिख सकते हैं। और इसी के साथ आप नॉट इन कर देंगे अगर, तो क्लर्क मैनेजर और एनालिस्ट को छोड़ करके सारी वैल्यूज आपको दिखाई दे देगा। तो इन और नॉट इन का यूज करेंगे जब आपके पास लिस्ट अवेलेबल रहेगा। आप देखना चाहते हैं कि 5 cities से जितने लोग बिलोंग करते हैं उनका लिस्ट आ जाए, तो आप कर देंगे सिटी इन। आप चाहते हैं कि एक कोई सिटी पर्टिकुलर है जिसको छोड़ करके सब देखना चाहते हैं, तो वेयर सिटी नॉट इन दिल्ली कर सकते हैं, क्लियर है। तो इस तरह से अगर कंडीशन बेस्ड ऑन रेंज है तो बिटवीन क्लॉज यूज करेंगे, और कंडीशन बेस्ड ऑन लिस्ट है तो इन एंड नॉट इन क्लॉज को यूज करेंगे। एक और है कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न मैचेस। यहाँ पे पैटर्न मैच को आप देख सकते हैं। ये पैटर्न मैच का मतलब ये हो गया कि आप देखना चाहते हैं यहाँ पे कि एस से शुरू होने वाले कितने स्टूडेंट का लिस्ट हमारे पास है, यानी एस से शुरू होने वाले नाम, एस पर खत्म होने वाले नाम, 4 digit हमें पता है, 4 कैरेक्टर के नाम, 6 कैरेक्टर के नाम कितने हैं, ऐसे कितने कैरेक्टर हैं जिनके बीच में टी आता है, ऐसे कितने वर्ड है जिनके बीच में टी आता है। तो ये सारी चीजें, इसके लिए आपके पास दो चीजें, परसेंटेज और अंडरस्कोर। देखिए कैसे इसको यूज कर सकते हैं पैटर्न मैच के लिए। तो परसेंटेज के लिए देखिए क्या कर सकते हैं, द परसेंट कैरेक्टर मैचेस एनी सब स्ट्रिंग और अंडरस्कोर नंबर ऑफ कैरेक्टर को शो करता है। जैसे आपको देखना है यहां पर सेलेक्ट ENO ename manager from EMP where MGR like 15 modulus। तो ये 15 modulus का percent sign लगा हुआ है, इसका मतलब कि MGR की value 15 से शुरू हो रही हो, उसके बाद कुछ भी हो। तो यहां दिखाई दे रहा है कि 156 156 156 या 159 1586 कुछ भी रहता तो ये सारी values आ जाती,
ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हो रहा होगा नेम लाइक एस मॉडुलस, इसका मतलब हो गया एस के आगे जितना भी कुछ है सारा कुछ आ जाए यहाँ पे। अगर यहाँ पे लिखा होता मॉडुलस एस, यानी एस पे इंड होने वाला नाम, यानी शुरू में कुछ भी हो लेकिन एस से इंड होता हो, तो आप यहाँ पे नेम लाइक मॉडुलस एस कर सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह से आपके पास अंडर स्कोर है, अगर आप चाहते हैं चार कैरेक्टर का कोई नाम हो तो वेयर नेम लाइक, चार बार आप अंडर स्कोर लगा दीजिएगा तो चार कैरेक्टर का नाम आ जाएगा। तीन कैरेक्टर चाहते हैं तो तीन कैरेक्टर का नाम आ जाएगा। तो आप इस तरह से इस वेरिएशन को आप यूज कर सकते हैं कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न मैचेस में, ठीक है। अब आप नल को सर्च करना चाहते हैं तो वो भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको मैंने बताया अगर किसी ने इनपुट नहीं किया है तो उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट नल हो जाती है। आप देखना चाहते हैं कि कितने नल हैं हमारे, तो बस बस ध्यान रखिएगा कि कंडीशन में वेयर डीएनओ फील्ड का नाम है इज नल लिखना है, वेयर डीएनओ इक्वल टू नल नहीं लिखना है। ध्यान कर लीजिए वेयर डीएनओ इज नल लिखना है, इस कीवर्ड का यूज करना है अगर आप नल सर्च करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि किस तरह से आप कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है ऑर्डर बाई क्लॉज, बहुत ही इजी है लेकिन बहुत काम का है। ऑर्डर बाई क्लॉज अलाउ सॉर्टिंग ऑफ क्वेरी रिजल्ट बाई वन और मोर कॉलम, ये सॉर्टिंग को अलाउ करता है। इसकी मदद से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट, नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट। जैसे डिक्शनरी आप देखते हैं तो वो सॉर्टेड रहता है इसलिए हम सर्च कर पाते हैं, तो आप भी चाहते हैं जो आउटपुट आए वो आपका सॉर्टेड आए, किसी भी नेम के अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग आप सॉर्ट करना चाहते हैं आप ऑर्डर बाय क्लॉज सॉर्ट कर सकते हैं। आप सिंटेक्स देख लीजिए क्या लिखते हैं, सेलेक्ट ई एन ओ ई नेम जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाई ई नेम, यानी ऑर्डर बाय क्लॉज हो गया, ये फील्ड का नाम हो गया जिसके अकॉर्डिंग आपको सॉर्ट करना है, ठीक है। अब इसमें दो क्लॉज ध्यान कर लीजिए, डीएससी और एएससी। एएससी इज यूज्ड फॉर सॉर्टिंग इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डीएससी यूज्ड फॉर सॉर्टिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर टू असेंड। बाय डिफॉल्ट जैसे यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ है ऑर्डर बाय ई नेम तो ये क्या असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, लेकिन यही अगर आप ऑर्डर बाय ई नेम डीएससी लिख दिया होगा आपने तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है डीएससी और एएससी, ठीक है। यहाँ एक से अधिक फील्ड का नाम दे सकते हैं, ई नेम और जॉब भी दे सकते हैं यहाँ पे। जैसे डिक्शनरी में पहला कैरेक्टर अगर सेम है तो सेकंड कैरेक्टर के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग होता है, वैसे ही यहाँ अगर ई नेम सेम होगा तो जॉब के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग होगा, यानी एक से अधिक कॉलम या कॉलम का लिस्ट यहाँ पर दिया जा सकता है। सॉर्टिंग बाय कॉलम एलियास, यहाँ आप कॉलम एलियास यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको सेलेक्ट ई नेम ई नेम जॉब, और जॉब का कॉलम एलियास क्या है ईएमपी पोस्ट, तो ऑर्डर बाय ईएमपी पोस्ट भी आप लिख सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही छोड़ते हैं हम लोग, ये हमारा वीडियो था डाटा बेस कॉन्सेप्ट को लेके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, जब भी आप वीडियो को देखें कॉपी पेन लेके जरूर बैठें और टॉपिक्स को नोट करते रहें ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। उम्मीद है आपको वीडियो से बहुत फायदा मिलेगा।